हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज हम ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इसका रिव्यू करेंगे। और पहले तो इसको मैं थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद रिव्यू करेंगे। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आए थे, कितने प्राइस में लेके आए थे प्राइस भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और क्या क्या इसके फ्यूचर हैं वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट तो मैं इसको एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। ये यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ और ऑन करके देख ले। तो फ्रेंड्स, टेस्ट ड्राइव हमने ली है और बहुत ही अच्छी जो इसकी है पिकअप वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इसके फ्यूचर बताएंगे और कंप्लीट इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक है, जो स्कूटर टाइप वेस्पा टाइप लुक होता था ये है। और इसका नाम देख सकते हैं यहाँ पे, द वी आर जेकेओन, इस तरह से ये कंपनी का नाम है। ठीक है, ये सभी कंपनियां हैं, बहुत सारी आज के दिन कंपनियां आ चुकी हैं, सबके अलग अलग स्कूटर हैं। ये साइड से देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको लुक मिलेगा। और अगर हम फर्स्ट यहाँ पे बात करें लाइट की, तो यहाँ पे गोल्ड लाइट मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे लुक वगैरह इनका यहाँ पे दिया हुआ बहुत ही अच्छा लुक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसमें ये अपना इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह दिए हुए हैं। और इसमें टायर की बात करें तो ये 10 इंची टायर आपको मिलेंगे, 10 इंची टायर, ट्यूबलेस टायर आपको मिलेंगे। और ये इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये इनका ये ब्रेक सिस्टम है, तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। और फुट रेस्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा स्पेस है, आप अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और सीट वगैरह की लुक वगैरह की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्यारा लुक है। पीछे से लुक की बात करें तो देखिए, बहुत ही प्यारा पीछे से भी लुक है। और पीछे इनके ब्रेक की बात करें तो ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। और इस तरह से हम साइड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं देखिए इसकी चाबी वगैरह की, तो ये इसकी की है, ये की है। वैसे ये की इसकी जो एक जो गाड़ियों में होती है उस तरह की थी, लेकिन देखिए ये हमारे भाई हैं, लोकल ही हैं, सिंपल हैं, तो इसलिए जिन्होंने ली है तो इन्होंने निकाल दिया वो। ठीक है, ये लॉक सिस्टम वगैरह, एंटी थेफ्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे चाबी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाबी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे इनका एक सामान वगैरह कैरी करने के लिए भी ये दिया हुआ है। और यहाँ पे बंद करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स और दिया हुआ है, जिसमें आप अपना सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं, जैसे पर्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, कुछ अदर सामान रख सकते हैं। तो ये इसको हम फिर से हम बंद कर देते हैं, ये यहाँ पर लॉक हो गया। तो अब हम इसकी चाबी लगाते हैं। चाबी लगाने के बाद ये देखिए, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो दूसरा वो जो स्टैंड है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से रेस नहीं दे सकते। यहाँ पे बात करें देखिए, ये तो पार्किंग का मोड हो गया इनका, क्योंकि ये पार्किंग में लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये रिवर्स का मोड है, इसको है ना 5-2 किलोमीटर की इससे स्पीड से ये बैक भी हो सकती है, हो जाती है। और ये इनके 3 मोड दिए हुए हैं गियर के, 1, 2 और 3। और ये लाइट का है, ये ऊपर की लाइट, नीचे की लाइट का है। और इस साइड से बात करें तो ये इनका इंडिकेटर का दिया हुआ है, ये इंडिकेटर लेफ्ट और राइट के। और उसके बाद ये है हॉर्न, ये हॉर्न का, और ये फिर से लाइट अप और डाउन का यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब इसमें फ्यूचर इन्होंने दिए हुए हैं। तो हमें इसके लिए साइड स्टैंड हटा के और नीचे का स्टैंड लगाना पड़ेगा, ताकि हम इसकी रेस की बात कर सकें। ये फ्रेंड्स, ये इसमें ये दिया हुआ है बैटरी का, बैटरी कितने परसेंट है, तो ये 4-5 ये लाइनिंग दी हुई है, तो इसमें बैटरी का है। ये है किलोमीटर का, ये 640 किलोमीटर ये चल चुकी है शायद। ठीक है, ये रेडी 1, 2, 3, 4 ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी रेस की बात करें तो ये देखिए, ये 25 किलोमीटर की जो स्पीड है उससे चलेगी, लेकिन ये 40-45 की स्पीड से चल जाती है, क्योंकि इसमें शो 25 ही करेगी, क्योंकि 25 से ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पीड शो की है 25 की। अगर आप इसे बाइक से कंपेयर करोगे स्पीड से, तो ये 40-45 की स्पीड ये ले लेती है। और अगर हम बात करें इसके यहाँ पे डिग्गी की, डिग्गी और स्पेस की, तो अब हम इसको इसकी डिग्गी को ओपन करके देखेंगे। यहाँ से ये डिग्गी ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिग्गी में, अपना छोटा हेलमेट वगैरह रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ये एमसी दी हुई है,
अगर आपको बाइक बंद करनी है, यहाँ पे बंद करके और लॉक करके जाना, इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं, तो इसको कोई भी ऑन नहीं कर पाएगा। अब मैं ऑन कर देता हूँ। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो इसको साइड में लगा के या कहीं पार्किंग में लगा के, तो इसको ऑफ कर दें। इसके नीचे बैटरी दी हुई है। बैटरी इसमें देखिए लेड एसिड बैटरी है, 5 बैटरी हैं, और ये एक चार्ज में 70 किलोमीटर तक की ये जो रेंज है वो दे देती है। कंपनी 70 की बोलती है, लेकिन ये आराम से 60 किलोमीटर की तो आराम से दे देती है। और इसकी टॉप स्पीड हमने बताई थी कि 45 तक ये चली जाती है, वैसे 25 शो करेगी। और अगर इसका प्राइस की बात करें तो देखिए, पहले तो आप कलर लुक और ये सब कुछ देख सकते हैं उसके हिसाब से, और जो मार्केट है, मार्केट में भी आप अदर स्कूटर का प्राइस देख सकते हैं उसके हिसाब से। मुझे इनका प्राइस बहुत ही रिजनेबल लगा। इसका प्राइस ओनली 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये में ये यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके लिए कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर पहने। तो 50,000 रुपये में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इसकी कॉस्ट है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस मुझे लगा अकॉर्डिंग टू जो इस ये बाइक है, स्कूटी है। और इसमें आप अपना सामान वगैरह लेके आ सकते हैं, स्टूडेंट हो तो कॉलेज वगैरह में जाने के लिए, स्कूल वगैरह में जाने के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी स्कूटी, शायद ये स्कूटी की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्कूटी लेनी है तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, तो मैं ये स्कूटी आपको भी दिलवा दूंगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने एक एजेंसी की हुई है, उनसे मैंने इनको भी दिलवाई है अपने फ्रेंड को। अगर आपको भी लेनी है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, तो आपको भी ये स्कूटी ज़रूर दिलवा देंगे, और 50,000 में ही दिलवा देंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मैंने अदर भी इन पर देखा है जाके, तो बहुत जगह पर यहाँ पर 50, 55, 56, 57, 58 यहाँ तक ये स्कूटी मिलती हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये का कम से कम फ़ायदा मैंने अपने फ्रेंड को भी करवाया है। अगर आप भी लोगे तो आपको भी ज़रूर करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और शायद वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी भी बता दिया करो, अच्छी ना लगे तो अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में और भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी कमियां हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर हो, आपसे ही हमें पता चलेगा कि क्या कमियां हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।